पाद परमहंस परिव्राज कचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन विविधि संस्थापक आचार्य जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् श्री कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु ज्ञान की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। गंगा माई जमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। नंद कोटि वैष्णव वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। नित गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada Ki Jai. हरे कृष्णा, स्वागत है आप सभी का इस्कॉन मायापुर टीवी हिंदी के दैनिक श्रीमद् भागवतम पाठ में। तो जो क्रम चल रहा है वो है प्रथम स्कंद का त्रयोदश अध्याय श्लोक संख्या 49, प्रथम स्कंद 13वां अध्याय श्लोक संख्या 49। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरवद्विषये नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। तो आज का जो श्लोक है वो है प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय का 49वां श्लोक। सोयमद्य महाराज भगवान भूत भावनः कालरूपोवतीर्णो श्याम भावाय सुरद्विषाम्। सोयमद्य महाराज भगवान भूत भावनः कालरूपोवतीर्णो श्याम भावाय सुरद्विषाम्। अनुवाद एवं तात्पर्य ए सी भक्तिवेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सर्वभक्षी काल के वेश काल रूप में अब संसार से द्वेषी मनुष्यों का सर्वनाश करने हेतु पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। तात्पर्य, मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, द्वेषी तथा आज्ञापालक। चूंकि परमेश्वर एक है और वे सभी जीवों के पिता हैं, अतएव द्वेषी मनुष्य भी उन्हीं की संतान हैं, लेकिन वे असुर कहलाते हैं। किंतु जो जीव सर्वोपरि पिता के प्रति आज्ञाकारी है वे देवता कहलाते हैं, क्योंकि वे जीवन की भौतिक अवधारणा द्वारा कलुषित नहीं होते हैं। असुर न केवल श्री भगवान के अस्तित्व को नकार करके द्वेष दिखाते हैं, अपितु वे अन्य समस्त जीवों से भी द्वेष रखते हैं। जगत में असुरों के प्राधान्य को कभी कभी श्री भगवान उनको पूर्ण रूपेण विनष्ट करके ठीक करते हैं और पांडव जैसे देवताओं का राज्य स्थापित करते हैं। छद्म रूप में काल नाम की उनकी उपाधि महत्वपूर्ण है। वे रंच मात्र भी भयावह नहीं है, अपितु वे शाश्वतता ज्ञान तथा आनंद के दिव्य रूप हैं। जो भक्त हैं उनके सामने उनका वास्तविक रूप प्रकट होता है, किंतु जो अभक्त हैं उनके लिए वे काल रूप में प्रकट होते हैं।
जो उनका कारण रूप है। शिव भगवान का यह कारण स्वरूप असुरों को तनिक भी सुहावना नहीं लगता, अतएव वे श्री भगवान को निराकार मान लेते हैं, जिससे उनको झूठी सुरक्षा की भावना का अनुभव हो और वे ऐसा सोच सकें कि अब उन्हें श्री भगवान द्वारा नष्ट नहीं किया जाएगा। तो पहले तो हम ये जानें कि ये जो श्लोक है ये किस प्रसंग के अंतर्गत है। तो प्रसंग है श्री नारद जी महाराज युधिष्ठिर महाराज को यहाँ उपदेश दे रहे हैं। यहाँ नारद युधिष्ठिर संवाद चल रहा है क्योंकि युधिष्ठिर के ज्येष्ठ पिताश्री यानी कि जो बड़े पिता होते हैं, पिता के बड़े भाई होते हैं, तो वो ज्येष्ठ पिताश्री अपनी पत्नी गांधारी को लेकर के जो है वहाँ से जा चुके हैं बिना बताए। विदुर जी उन दोनों को अपने साथ ले गए ताकि उनको जीवन के अंतिम क्षणों में भगवान की भक्ति, नाम, ध्यान ये सब प्राप्त हो सके। तो जब युधिष्ठिर जी महाराज अपने दैनिक नियम के अनुसार अपने ज्येष्ठ पिताश्री और ज्येष्ठ माताश्री को प्रणाम करने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि दोनों अपने कक्ष में नहीं हैं और ना ही विदुर काका है, दोनों नहीं हैं, तीनों नहीं हैं। ये सोच करके युधिष्ठिर जी महाराज को बहुत कष्ट हुआ, चिंता हुई, तरह तरह के विचार मन में आने लगे कि ऐसा क्या हो गया हमसे अपराध जो हमको बिना बताए दोनों तीनों चले गए यहाँ से। तो वहाँ पर संजय जो हैं धृतराष्ट्र के निजी सचिव हैं जो सब समय उनके साथ ही रहा करते थे, तो जब संजय वहाँ पर आए तो युधिष्ठिर जी महाराज पूछने लगे कि क्या आपको इस बारे में कोई जानकारी है कि वो दोनों कहाँ चले गए हैं, मेरे दोनों बूढ़े माता पिता। तब उस समय संजय खुद भी बहुत चिंतित और आश्चर्य में पड़ गए कि मुझे खुद नहीं पता कि वो दोनों जो मेरे स्वामी हैं और स्वामिनी है वो पता नहीं कहाँ अचानक चले गए। इस बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं कि क्या संकल्प उनके मन में उठा, क्या उन्होंने सोचा और क्या हुआ जिसकी वजह से वो लोग चले गए इस प्रकार से, मुझे कुछ नहीं पता है इस विषय में। संजय खुद भी बहुत दुखी हुए। तब वहाँ पर श्री नारद जी महाराज प्रकट हुए। नारद जी महाराज उस समय सांत्वना देने के लिए युधिष्ठिर जी महाराज को आए और बताया कि क्या असल परिस्थिति है, कि असल में हुआ क्या था, वो सब बताने के लिए नारद जी महाराज वहाँ प्रकट हुए। तो यद्यपि युधिष्ठिर जी महाराज उस समय कष्ट में हैं, दुखी हैं, किंतु फिर भी नारद जी महाराज जब आए हैं तो नारद जी महाराज को प्रणाम किया है बाकायदा, और तत्पश्चात नारद जी महाराज से पूछ रहे हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप बताइए कि आपको यदि कोई इस विषय में कुछ ज्ञात हो कि कहाँ चले गए हैं मेरे ज्येष्ठ पिताश्री, ज्येष्ठ माताश्री और मेरे काका। तब नारद जी महाराज ने जो असल परिस्थिति है उससे उनको अवगत कराया कि आपके जो ज्येष्ठ पिता, ज्येष्ठ माता, आपके काका हैं वो असल में तीर्थाटन करने के लिए चले गए हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, विदुर जी अपने निर्देशन में उनको भक्ति मार्ग की प्राप्ति करवाने के लिए लेकर गए हैं साथ में, ताकि जीवन के अंतिम क्षणों में उन दोनों को थोड़ा हरिनाम जप करने का, थोड़ा तीर्थाटन करने का, थोड़ा ध्यान करने का, हरी कथा सुनने का अवसर मिलेगा। क्योंकि विदुर जी एक महान वैष्णव हैं तो इसलिए ऐसे महान वैष्णव का उनको सत्संग प्राप्त होगा, तो निश्चित ही वो दोनों इसी शरीर के द्वारा हरी
हरि भक्ति को प्राप्त करेंगे और भगवान के पवित्र धाम को भी प्राप्त कर पाएंगे। तो इसीलिए राजन, आप सारी चिंताएं जो हैं छोड़ दीजिए, सारी चिंताएं छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके ज्येष्ठ पिता और माता बिल्कुल सही सलामत हैं। और अगले कुछ ही दिनों में जंगल में लगने वाली भयानक अग्नि से उनका वो शरीर जल के भस्म हो जाएगा और उनको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। आप उनके लिए निश्चिंत रहिए। नारद जी भविष्यवाणी कर रहे हैं वहां पर। नारद जी तो सब कुछ जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं, क्योंकि भगवान के अवतार भी हैं, अंशांश अवतार हैं, अंश के भी अंश। तो इस प्रकार से नारद जी ने उनको बताया कि आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो लोग बहुत सही सलामत हैं और जहाँ भी गए हैं बहुत अच्छे उद्देश्य से गए हैं, उनको भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी और इसी जन्म में उनको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। आपके काकाश्री के निर्देशन में वो लोग गए हैं, इसलिए आप उनकी चिंता करना छोड़ दीजिए। किंतु फिर भी युधिष्ठिर जी महाराज थोड़ा सा दुखी हैं, उनको कष्ट हो रहा है मन ही मन। तो युधिष्ठिर जी महाराज को नारद जी महाराज जो है बहुत अच्छा यहाँ पर इस अध्याय में काफ़ी सारे श्लोकों में नारद जी महाराज उनको उपदेश दे रहे हैं। तो नारद जी महाराज 41वें श्लोक से बोलना शुरू किए हैं नारद जी महाराज, और इन सभी श्लोकों के माध्यम से युधिष्ठिर जी महाराज को समझा रहे हैं कि हे राजन, आप ये जो व्यर्थ की चिंताएं हैं ये सब आप छोड़ दीजिए, आप अपना धर्म निभाइए। तो आज हमारा 49वां 49वां श्लोक है, 49। तो इस पर हम थोड़ा चर्चा करते हैं। अनुवाद में कह रहे हैं कि वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सर्वभक्षी काल के वेश काल रूप में अब संसार से द्वेषी मनुष्यों का सर्वनाश करने हेतु पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। तो नारद जी युधिष्ठिर जी महाराज को थोड़ा ज्ञान, तत्व ज्ञान समझा रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा दिग्भ्रमित हो गए हैं अपने ज्येष्ठ पिता और माता और काकाश्री उनके विषय में सोच सोच कर थोड़ा सा चिंतित हो रहे हैं। इसीलिए उनके मन को शांति प्रदान करने के लिए नारद जी महाराज यहाँ पर थोड़ा तत्व ज्ञान उनको प्रदान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि राजन, जो श्री कृष्ण हैं, आपको जो आपके मामा के भाई लगते हैं, मामा के बेटे लगते हैं, जो आपको अपना भाई दिखाई देता है, असल में वो भगवान श्री कृष्ण सर्वभक्षी काल काल भी वही हैं। किंतु इस समय संसार से जितने भी द्वेषी, संसार में जितने भी द्वेषी मनुष्य हैं, उनका सर्वनाश करने के लिए अवतरित हुए हैं पृथ्वी पर। कौन? आपके भैया कृष्ण, आपके छोटे भाई, आपके मामा के बेटे। वो सिर्फ आपके मामा के बेटा आपके भाई नहीं हैं, आप वो सर्व सर्व सृष्टि के जगन निवास विधा सब सर्व सर्वोच्च सत्ता है, और वो ही काल भी हैं, जो काल सबकी मृत्यु सही समय पर जो आती है मृत्यु, वो काल रूप भी वही श्री कृष्ण है। किंतु वही काल रूप श्री कृष्ण इस समय पृथ्वी पर जो भी दुष्ट असुर प्रवृत्ति के लोग हैं उनका सर्वनाश करने के लिए अवतरित हुए हैं। हाँ, तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, एक द्वेषी तथा आज्ञापालक। तो आज सुबह को श्रील भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज का जो लेक्चर घर में हम सुन रहे थे, तो
संयोग से उसमें गुरु महाराज इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे कि दो प्रकार के लोग इस दुनिया में होते हैं, एक होते हैं द्वेषी एनवियस और एक होते हैं आज्ञापालक ओबीडियंट। तो जो द्वेषी होते हैं असुर प्रवृत्ति के लोग, यानी कि भगवान जो भी आज्ञा देते हैं देवताओं वो सब शिरोधार्य करते हैं। भगवान ने आज्ञा दी देवताओं को, जाइए समुद्र मंथन कीजिए, क्योंकि दुर्वासा ऋषि का शाप लगा था कि आप लोग श्रीहीन हो जाएंगे। तो जितना भी श्री था स्वर्ग का, पृथ्वी में जहाँ भी जो भी जितना भी श्री था वो सब समुद्र में समा गया था। तो उसको पुनः समुद्र से बाहर निकालने के लिए समुद्र मंथन का जो उपाय है वो श्री नारायण ने देवताओं को, तो नारायण ने देवताओं को समुद्र मंथन का जो है उपाय दिया। तो यहां पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं कि जो दो श्रेणियां जो हैं, इनमें से एक है द्वेषी यानी कि असुर, जो भगवान की आज्ञा को सिरे से नकार देते हैं, किंतु देवताओं को आज्ञा दी कि आप समुद्र मंथन कीजिए, तो जो आप जो श्री है जो समुद्र में चला गया है वो पुनः आप प्राप्त कर पाएंगे। कैसे? समुद्र मंथन करके, क्योंकि दुर्वासा ऋषि का शाप लगा था तो सारी श्री समुद्र में चली गई थी, उसको पुनः बाहर निकालने के लिए समुद्र मंथन किया गया। तो देवता बिल्कुल भगवान की आज्ञा के अनुसार चलते जाते हैं, किंतु यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं असुर जो हैं वो भगवान की आज्ञा को अवहेलना करते हैं। चूंकि परमेश्वर एक है और वे सभी जीवों के पिता हैं, यद्यपि असुर मान सकते हैं कि विष्णु हमारा शत्रु है, बैरी है इस प्रकार से, किंतु असल में है तो सबका मूल वही, चाहे असुर हो, चाहे दैत्य हो, चाहे दानव हो, चाहे मनुष्य हो, पशु पक्षी कुछ भी हो। तो अतएव द्वेषी मनुष्य भी उन्हीं की संतान है, निस्संदेह सब कुछ उन्हीं से आता है, सब कुछ के मूल वही हैं, लेकिन वे असुर कहलाते हैं। कौन? जो भगवान की आज्ञा नहीं मानते हैं। तो किंतु जो जीव सर्वोपरि पिता के प्रति आज्ञाकारी हैं वे देवता कहलाते हैं। तो जो आज्ञाकारी हैं, मतलब वही अभी हमने उदाहरण दिया समुद्र मंथन की, भगवान ने आज्ञा दी तो उन्होंने तुरंत उस कार्य के लिए तैयार हो गए करने के लिए, क्योंकि वे जीवन की भौतिक अवधारणा द्वारा कलुषित नहीं होते हैं। क्योंकि जो देवता लोग होते हैं, मतलब जो दैवीय गुणों से युक्त होते हैं, उनके अंदर जो ये विकार हैं वो नहीं होते हैं। जैसे कि हमारे आचार्य और हमारे गुरु परंपरा श्रील प्रभुपाद, उन्होंने भगवान की आज्ञा के अनुसार ही जो है कार्य किया, इसलिए वो दैवीय गुणों से परिपूर्ण है, वो देवता है एक तरह से, क्योंकि वो भगवान की आज्ञा के अनुसार चलते गए। भगवान की आज्ञा है कि मेरी कीर्ति का प्रचार हो, मेरे नाम का प्रचार हो, और वही उन लोगों ने किया पूरी निष्ठा के साथ, और भौतिक अवधारणाओं से वो कलुषित नहीं होते, मतलब जो भौतिक विकार हैं वो उनको स्पर्श नहीं कर पाते।
जो दैवीय गुणों से परिपूर्ण होते हैं उनको भौतिक विकार छू भी नहीं पाते। इसीलिए श्रील प्रभुपाद अपनी अंतिम श्वास तक उन्होंने जो है प्रचार निरंतर करते रहे। वो चाहे कैसी भी परिस्थिति रही, श्रील प्रभुपाद ने प्रचार किया है और हमको भी यही जो है उन्होंने उपदेश दिया है कि जितना ज़्यादा हो सके बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, प्रचार हो, श्रीमद् भागवतम का प्रचार हो, भगवद गीता का प्रचार हो, हरिनाम का प्रचार हो, महाप्रभु की दिव्य वाणी का प्रचार हो। तो आगे कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि असुर न केवल श्री भगवान के अस्तित्व को नकार करके द्वेष दिखाते हैं, अपितु वे अन्य समस्त जीवों से भी द्वेष रखते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि असुर न केवल श्री भगवान के अस्तित्व को नकार करके, तो यहाँ पर हम देखें हिरण्यकश्यपु, न केवल उसका भगवान से द्वेष था, भगवान से प्रीति करने वाले जितने मनुष्य थे उनसे भी द्वेष था। और न सिर्फ हिरण्यकश्यपु, इसके अलावा और भी बहुत सारे उदाहरण हैं श्रीमद् भागवतम में। राजा वेन हैं। तो इस प्रकार के जो असुर प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो भगवान को भी नकारते हैं और भगवान को प्रीति करने वाले, प्रेम करने वालों को भी नकारते हैं। तो जगत में असुरों के प्राधान्य को कभी कभी श्री भगवान उनके पूर्ण रूपेण विनष्ट करके ठीक करते हैं। तो हम सभी जानते हैं नृसिंहदेव जब हिरण्यकश्यपों का साम्राज्य पृथ्वी पर फैल गया था, असुरों का प्राधान्य मतलब पूरी पृथ्वी पे हिरण्यकश्यपु का राज्य था, तो उसको पूर्ण रूपेण नष्ट करने के लिए और एक महान भक्त को साम्राज्य देने के लिए नृसिंहदेव ने हिरण्यकश्यपु का वध किया, ऐसा रूप धारण किया। क्यों? क्योंकि उसके वरदान की भी पूर्ति करनी थी, ब्रह्मा जी की भी, जो ब्रह्मा जी ने जो वचन दिए थे उसको, उसका भी पूर्ति करना था वहां पर। तो इस वजह से नृसिंहदेव को ऐसा रूप धारण करके आना पड़ा और उसके साम्राज्य को पूर्ण रूपेण नष्ट करके नृसिंहदेव ने अपने भक्त प्रहलाद जी महाराज को गद्दी पर बैठाया और 36,000 वर्षों तक राज्य श्री प्रहलाद जी महाराज ने किया। और निष्कंटक राज्य, एकदम कहीं किसी को कष्ट नहीं, एक जरा सा भी कष्ट नहीं। तो और पांडव जैसे देवताओं का राज्य स्थापित करते हैं। हम सभी जानते हैं भगवान कृष्ण ही असल में महाभारत के असली योद्धा हैं। जब बर्बरीक से पूछा गया था कि बताओ तुमने क्या देखा, जब तुमने युद्ध देखा तो तुमने क्या देखा, तो बर्बरीक ने कहा था कि मैंने देखा ये जो सारे बाण, ये तलवारें, ये सब चल रही थी, ये सब असल में कृष्ण के ही अस्त्र थे। कृष्ण ही सबका जो है वध कर रहे थे, बाकी सब तो बस ऐसे ही हाथ पांव चला रहे थे, निमित्त मात्र। भगवान ने गीता में कहा भी है, भगवद गीता में, कि अर्जुन तुमको सिर्फ निमित्त बनना है, बाकी सब तो मैं कर ही चुका हूं, तुमको सिर्फ जो है थोड़ा सा नाटक करना है यहाँ पे। तो ऐसे 64 करोड़ जनता का वहां पे उस समय वध हुआ था। तो जो भी दुराचारी थे, दंतवक्त्र, बाणासुर, द्विविध वानर, कंस, शिशुपाल, जरासंध, पता नहीं कितने कितने असुर, दैत्य, राक्षस, शाल्व, ऐसे दुराचारी राजाओं को जड़ से श्री कृष्ण ने उनका जो साम्राज्य था उसको समूल नष्ट किया और पांडव जैसे देवताओं का राज्य स्थापित करते हैं भगवान। तो कुंती माता भी अपनी स्तुति में, जब भगवान की वो स्तुति कर रही है, तो महारानी कुंती भी एक जगह बोल रही हैं कि आप तो असल में ऐसे महान राजाओं को गादी पर बैठाने के लिए
और दुराचारियों का साम्राज्य समूल नष्ट करने के लिए आते हैं आप। जब कुंती महारानी इस चीज पर व्याख्या कर रही कि आप आते क्यों हैं इस संसार में, तो अलग अलग वहां पे उदाहरण दे रही है कुंती महारानी कि आप अच्छे राजाओं को गादी पर बैठाने के लिए, दुराचारियों को का साम्राज्य समूल नष्ट करने के लिए आते हैं, ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर आप आते हैं, पृथ्वी की प्रार्थना पर आते हैं, देवताओं की प्रार्थना पर आते हैं, इस प्रकार से। तो यहाँ पर नारद जी महाराज भी युधिष्ठिर जी महाराज को यही समझा रहे हैं कि राजन, भगवान जो हैं इस समय पृथ्वी पर आए हैं दुराचारियों को हटाने के लिए, उनको समूल नष्ट करने के लिए और देवताओं का राज्य स्थापित करने के लिए। तो छद्म रूप में काल नाम की उनकी उपाधि महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान ने कहा है कालोस्मि, तो इस प्रकार से भगवान काल भी हैं। हम सभी जानते हैं जब ये शरीर हम सबका उत्पन्न होता है माता के गर्भ से, तो साथ ही साथ उसकी मृत्यु की तारीख भी निश्चित हो जाती है। श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंध में जब कंस को वसुदेव जी उपदेश दे रहे थे कि मृत्युर्जन्म बताम वीरा देहे न सह जायते अद्यवाप्त शताम तैवा मृत्युर्वई प्राणिनाम ध्रुवा, कि हे कंस, तुम किस मृत्यु से भय पा रहे हो? वही मृत्यु जो जन्म के साथ ही हमारे साथ ही जन्म लेती है। जब ये शरीर जन्म लेता है, मृत्यु भी साथ में जन्म लेती है, तो तुमको उस मृत्यु से भय करने की क्या जरूरत है, भयभीत होने की क्या आवश्यकता है? किंतु वो जो काल रूप में भगवान है, असल में उसको, कंस को उनसे भय है, भगवान से भय है, क्योंकि वो असुर है। तो असुर जो हैं वो भगवान से भयभीत होते हैं, किंतु जो दैवीय प्रकृति के लोग होते हैं वो भगवान से प्रीति करते हैं, प्रेम करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, जैसे अर्जुन ने किया, सखा बनाया, गोपियों ने किया, अपना कांत बनाया। तो वे रंच मात्र भी भयावह नहीं है। कौन भयावह नहीं है? भगवान भयावह नहीं है। किनके लिए भयावह नहीं है? भक्तों के लिए। लेकिन जो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, असुर प्रकृति के लोग हैं, उनके लिए वही भयावह बन जाते हैं। हम सभी जानते हैं जब भगवान मथुरा आए थे, ब्रजमंडल को 11 वर्ष 56 दिनों के बाद जब मथुरा भगवान आए थे अक्रूर जी के साथ में, तो वहां पर जब भगवान उस रणभूमि में प्रवेश कर रहे थे अपने अग्रज बलराम के साथ, कुवलियापीड़ हाथी को उन्होंने उद्धार कर दिया, उसके बाद जैसे ही प्रविष्ट हुए भगवान, तो वहाँ पर जो जनता बैठी है, वो जनता सबका अपना अपना अलग अलग भाव है। जो कुवारी युवतियाँ हैं वहाँ पर, उनको कांत रूप में भगवान दिखाई दे रहे हैं। हाँ, जो बूढ़ी माताएं हैं उनको वात्सल्य भाव जागृत हो रहा है देख करके कि कितना सुंदर छोटे छोटे दो भाई हैं। और उनकी समवयस्क जो हैं, भगवान के समवयस्क, उनको मित्रता का भाव उनके अंदर जागृत हो रहा है, किंतु कंस भयभीत हो रहा है, आई मृत्यु। हाँ, तो सबका अलग अलग भाव होता है भगवान के प्रति। दुष्टों का भाव अलग होता है, वो द्वेष करते हैं, और जो असुर प्रकृति के लोग होते हैं वो भयभीत होते हैं कि अब हमारा काल आ गया है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान भयावह नहीं है भक्तों के लिए, अपितु वे शाश्वतता, ज्ञान तथा आनंद के दिव्य रूप हैं। भगवान का स्वरूप हम सभी जानते हैं, सच्चिदानंद रूपाय। आनंद, भगवान के स्वरूप को जब हम देखते हैं, राधा माधव को जब हम देखते हैं, तो कितना आनंद हमको लगता है उनके स्वरूप को देखने में, निरखने में। तो भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, भयावह नहीं है। जो भक्त हैं उनके सामने उनका वास्तविक रूप प्रकट होता है, किंतु जो अभक्त हैं उनके लिए वे काल रूप में प्रकट होते हैं, जो उनका कारण रूप है। अभी हमने जैसे चर्चा की कि उस
रणभूमि में सबको अलग अलग दर्शन हो रहा था भगवान का, कोई क्या समझ रहा था, कोई क्या समझ रहा था। तो जो भक्त हैं उनके लिए भगवान का जो वास्तविक रूप है, जैसे अर्जुन ने देखा महाभारत की उस रणभूमि में भगवान का सौम्य स्वरूप भी देखा, विराट रूप भी देखा, दोनों देखा। हाँ, तो श्री भगवान का यह कारण स्वरूप असुरों को तनिक भी सुहावना नहीं लगता। किसको? कंस को। कंस को कितना भय लग रहा था देख करके। पर कृष्ण वही हैं, एक ही स्वरूप में आए थे कृष्ण, कोई अलग अलग भेष धारण करके नहीं आए थे वहां पर, कृष्ण एक ही आए थे रणभूमि में। किंतु वही कृष्ण माताओं को अलग रूप में दिख रहा था, कन्याओं को अलग रूप में दिख रहा था, बालकों को अलग रूप में दिख रहा था, कंस को काल रूप में दिख रहा था। तो अतएव वे श्री भगवान को निराकार मान लेते हैं। तो अपने ही मन को संतुष्ट करने के लिए ऐसे दुष्ट, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जो मायावादी हैं, जो निराकारवादी हैं, उनके ऊपर यहाँ पर उनके लिए बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद, क्योंकि वो उस साकार स्वरूप को पसंद नहीं करते हैं या क्या उनकी प्रवृत्ति है वो समझ में नहीं आता, इसीलिए वो भगवान को निराकार मान के बस निराकारवाद को फैलाने की चेष्टा करते हैं कि भगवान तो बस एक ब्रह्म ज्योति है, बस उस पर ध्यान लगाया जाए। किंतु वो ब्रह्म ज्योति भी कुछ तो है, आप उसको निराकार कैसे बोल सकते हो? जिससे उनको झूठी सुरक्षा की भावना का अनुभव होता है। निराकारवादियों को भगवान निराकार है ऐसे बोल के बस वो अपने आप की संतुष्टि करते हैं, उससे वो कुछ साबित नहीं कर पाते। तो ऐसा इसलिए वो करते हैं कि उनको जो है अपने आप को ही झूठी सांत्वना देनी होती है कि नहीं भगवान तो है ही नहीं, वो तो बस एक निराकार कुछ है। निराकार स्वरूप भी कैसे? स्वरूप तो है, निराकार भी है। आप निराकार भी बोल रहे हो, स्वरूप भी बोल रहे हो, तो कैसे? ये तो दो मुंह सांप के जैसी बात हो जाएगी। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? भगवान को निराकार मान लेते हैं जिससे उनको झूठी सुरक्षा की भावना का अनुभव हो और वे ऐसा सोच सके कि अब उन्हें श्री भगवान द्वारा नष्ट नहीं किया जाएगा। तो जो निराकारवादी है वो भगवान द्वारा नष्ट ना होने के भय से, मतलब नष्ट ना होना पड़े, भगवान से बैर ना लेना पड़े, इसलिए जो है उनको निराकार मान के बैठ जाते हैं बस। तो ये जो निराकारवादी है, निर्विशेषवादी है, मायावादी है, ये जो आजकल भी हम देखते हैं बहुत सारे मेडिटेशन लेकर बैठ जाते हैं, बस मेडिटेशन में भगवान का ध्यान करो, तो वो कुछ समय के लिए ठीक लगता है कि ठीक है, किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, तो वो उस मेडिटेशन से थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सकता है। किंतु इस कलयुग में ध्यान लगाना बहुत असंभव है, बिल्कुल असंभव ही मान के चलिए उसको। तो यहाँ पर श्री नारद जी महाराज युधिष्ठिर जी महाराज को समझा रहे हैं कि आपको आपके ज्येष्ठ माता पिता विदुर काका की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वे इस समय सुरक्षित हैं। तत्पश्चात नारद जी महाराज ने भगवान कृष्ण के काल रूप की यहाँ पर व्याख्या की है कि किस प्रकार से भगवान काल रूप में जो है असुरों को नष्ट करते हैं और दैवीय प्रकृति के लोगों को सुख प्रदान करते हैं, उनके लिए उनका स्वरूप बहुत प्रिय होता है। तो ये आज का श्लोक था, प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय का 49वां श्लोक, जिसकी हमने व्याख्या की। इसके ऊपर अगर आपकी कोई जिज्ञासा प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। जो आपने वो बर्बरी के बारे में बोला था ना, उनका थोड़ा हिस्ट्री बताइए ना उसके बारे में। जी, असल में बर्बरिक जो है, हम सभी जानते हैं जब वन में पांचों पांडव अपनी माता कुंती के साथ गए थे, तो वहां पर हिडिंब राक्षस ने
उन पर हमला किया था और हिडिंब राक्षस का वध भीमसेन ने किया था। तो हिडिंब की बहन थी हिडिंबा, जिससे भीमसेन का विवाह हुआ था, और उनका एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था घटोत्कच, और घटोत्कच का विवाह हुआ था मौरबी नाम की एक कन्या से, और घटोत्कच और मौरबी का पुत्र है बर्बरीक, यानी कि भीमसेन का पौत्र है बर्बरीक। ठीक है, तो भीमसेन का पौत्र है बर्बरीक, तो असल में उसको अपने गुरु से ऐसी विद्या प्राप्त हुई थी कि वो जिस भी सेना में रहेगा वो सेना हार ही नहीं सकती, कुछ भी हो जाए वो सेना हार नहीं सकती। तो भगवान कृष्ण को चिंता ये हुई कि अगर किसी कारण से ये कौरवों की सेना में चला गया, इस समय मुझे स्मरण में नहीं आ रहा है, बर्बरीक के विषय में मैं बता रही हूँ यहाँ पर। तो बर्बरीक जो है उसको अपने गुरु से कुछ ऐसे वरदान, कुछ ऐसी शक्तियाँ प्राप्त हुई थी। जिसका बल कम होगा, ये उसको अपने गुरु से कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त हुई, तो जिसका बल कम होगा उसकी तरफ से वो युद्ध करेगा। तो भगवान को ये चिंता हो गई कि अगर ये कौरवों की तरफ चला गया तो पांडव को तो नष्ट कर देगा, क्योंकि जिसकी तरफ से युद्ध करेगा सामने वाली सेना को निश्चित ही हराएगा, मार के खत्म कर देगा। तो मेरे भक्त प्रिय पांडवों को तो खतरा है, इसीलिए भगवान ने बर्बरीक से उसके सिर का दान मांगा। बर्बरीक ने अपना ही सिर काट के भगवान को दान में दे दिया, और वही शीश बर्बरीक का पूरा युद्ध पहाड़ी पर उसके शीश को भगवान ने स्थापित कर दिया था, और वहां से उस बर्बरीक के शीश ने पूरा वो महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखा। और बाद में उससे पूछा भी गया था कि तुमने क्या देखा युद्ध में, जो अभी हमने वर्णन किया था, तो वो कहता है कि मैंने यही देखा कि कृष्ण ही युद्ध कर रहे हैं, कृष्ण का तलवार चल रही है, कृष्ण की तरफ से बाण चल रहे हैं, मतलब ये सब युद्ध कृष्ण ने ही किया, अर्जुन का मान भंग करने के लिए भगवान ने ही लीला की थी। उस समय अर्जुन को मान हो गया था कि मेरे गांडीव की वजह से हम ये युद्ध जीत पाए हैं, तो अर्जुन का मान भंग करने के लिए भगवान पांडवों को बर्बरीक के पास लेकर गए। तो बर्बरीक ने बताया तो जो है अर्जुन का मान भंग हुआ कि नहीं, युद्ध मैंने नहीं, ये सारा युद्ध तो भगवान ने ही किया है, ये तो सब शक्ति इन्हीं की है ना। तो ये बर्बरीक का इतिहास है। इसके अतिरिक्त आपका कोई और प्रश्न? जी देखिए, ऐसा होता है ना कभी कभी कि सृष्टि में, यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं, हमारे दैनिक जीवन में भी सुबह सुबह हम लोग बहुत सतोगुण में होते हैं, अरे नहीं नहीं सुबह सुबह हमको 16 माला जप करके कंप्लीट करना है, दोपहर आते आते थोड़ा रजोगुण आ जाता है, रात तक थोड़ा तमोगुण में चले जाते हैं, इस प्रकार से तो हावी होता है सतोगुण पे, रजोगुण तमोगुण इस प्रकार से, तो वो सब लीला के अंतर्गत होता है। जो आपने बताया कि एक बार दुर्वासा ऋषि का शाप लगने की वजह से जो है वो श्रीहीन हो गए थे, तो श्रीहीन हो गए थे, राजा बलि ने आक्रमण किया तो देवता सब परास्त हो गए क्योंकि श्रीहीन हो गए थे, और शाप भी लगा था दुर्वासा ऋषि का कि तुम लोग श्रीहीन शक्तिहीन हो जाओगे। तो उस वजह से बलि ने आक्रमण जब किया स्वर्ग पे तो सारे देवताओं को मार मार के भगा दिया। तो इस प्रकार से कभी कभी जो है रजोगुण हावी हो जाता है सतोगुण पे। ठीक है, आंसर दूसरा ये भी हो सकता है कि जैसे कभी कभी जो शुद्ध भक्त होता है, जैसे युधिष्ठिर महाराज, हाँ,
सत्यवादी है, परम भक्त है, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान श्री कृष्ण जो बोले कि अस्वस्थ महात इसको बोलो, लेकिन नहीं मैं नहीं बोल सकता हूँ, तो वो क्यों हुआ ऐसा? वो क्यों, वो एक्चुअली जैसे बताया लीला के अंतर्गत होता है, तो भगवान श्री कृष्ण की वो लीला के अंतर्गत भी कुछ कुछ होता है, सभी देवताओं का नहीं होता, कुछ कुछ जो कृष्ण से कनेक्टेड होता है उसी का ऐसा, जैसे एग्जाम्पल के रूप में और क्या है, जैसे इंद्र, इंद्र किसको मार दिए थे, बलि, बलि का पिता विरोचन या जिसको सर काट दिया था इंद्र ने आके, तब तो भगवान विष्णु आके बहुत ही क्रोधित हो गए कि तुम लोग देवता हो कि इस तरह तमोगुणी काम क्यों करते हो, इतना क्रोध तो शोभा नहीं देता देवता लोगों को। विरोचन को मारे थे ना, प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन, विरोचन को मतलब मार दिए, एकदम काट दिए थे, ऐसे निर्ममता किया था, नहीं नहीं करना चाहिए, वो देवता है, इंद्र देवता है और बाकी सब अग्निदेव सभी मिलकर उनको हत्या किया था, तो वो लोग तो सत्यगुणी है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हुआ, क्यों? इसीलिए हो, क्योंकि उस समय भगवान विष्णु आए तो वो कनेक्टेड हुआ, 33 करोड़ देवी देवता है, तो सबका उल्लेख नहीं है भागवतों में, महाभारत में, विभिन्न शास्त्रों में, सबका उल्लेख मतलब लीला, लीला उल्लेख, लेकिन वहां पे उल्लेख इसीलिए हुआ क्योंकि भगवान वहां पर आने वाले, तो जिसके लीला के अंतर्गत ऐसा कभी कर देता है। और इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, इंद्र को अपनी जो है अपनी गादी का बहुत भय रहता है कि अगर कोई ज्यादा तपस्या कर लेगा, तो ज्यादा भक्ति कर लेगा, तो मेरा तो सिंहासन गया, तो इसीलिए सतोगुण पे रजोगुण हावी हो जाता है, और फिर उस भक्त को कष्ट देने के लिए, या वो जो तपस्या कर रहा है उसको कष्ट देने के लिए वो रजोगुण से तमोगुण में आ जाता है इंद्रदेव, तो सतो से रजो, रजो से तमो में चला जाता है वो, तो जो है थोड़ा सा उनको भय भी रहता है इंद्र को, और थोड़ा अभिमान भी रहता है, इस प्रकार से कुछ विकारों की वजह से गुणों में उनके परिवर्तन आ जाता है, सतो से रजो में भी चले जाते हैं, रजो से तमो में भी चले जाते हैं कई बार, इसलिए ऐसा हो जाता इसका है। और एक शॉर्ट आंसर ये है, जैसे ये जो सतोगुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये तीनों ही गुरु महाराज बोलते हैं, तीनों ही एक एक रस्सी है, कैदियों को बांधने के लिए एक लोहे का चैन है, एक चांदी का चैन है और एक सोने का चैन, लेकिन है तो चैन ही, जब तक शुद्ध चैन नहीं होगा, शुद्ध सत्य जब तक नहीं होगा तब तक वो हावी, शुद्ध सत्य में कोई हावी नहीं हो सकता, लेकिन ये सत्य में हावी इसलिए हो क्योंकि मेटेरियल है, तीनों मेटेरियल है, जो देवी देवता है वो लोग सत्य गुण में है लेकिन शुद्ध सत्य में नहीं है, है वो भी भौतिक, भौतिक मंडल ही है वो भी, वहां तक भी, स्वर्ग लोक तक भी है ना, शुद्ध सत्व में भी, वो भी सत्य लोग वहां पे जाके, तपलोक वहां जाकर के शुद्ध सत्व आता है ना। तो इसके अलावा कोई प्रश्न, जिज्ञासा, क्वेरी है और कुछ? समय सीमा 2-3 मिनट बचा है बस। शक्ति भी कम हो जाना है, हाँ, श्रीहीन मतलब शरीर का तेज भी चला जाता है उनका, श्री का अर्थ सिर्फ पैसा नहीं है, श्री का अर्थ है पूरी प्रोस्पेरिटी, शरीर से दिव्य तेज सब कुछ चला गया था इन देवताओं का, क्योंकि दुर्वासा ऋषि शाप दिए थे, दुर्वासा ऋषि गए थे वैकुंठ नारायण का दर्शन करने, नारायण ने प्रसन्न होकर अपनी माला उनको पहना दी, दुर्वासा ऋषि स्वर्ग आए, वहां इंद्र को देखा, इंद्र ने उनको प्रणाम किया बहुत अच्छे से, दंडवत प्रणाम किया, तो दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर अपनी माला जो नारायण से लेकर आए थे वो पहना दी, इंद्र ने वो माला निकालकर अपने हाथी ऐरावत को पहना दी, ऐरावत ने निकाल के पैरों में कुचल डाली। तो असल में ये जो अपराध है ये है निर्माल्य का अपराध, भगवान का जो निर्माल्य होता है उसका बहुत महत्व है,
इसीलिए अगर कोई आपको भगवान का निर्माल्य पहना रहा है तो पहन कर ही रखिए, निकालिए मत, बहुत उसका अपराध होता है। धाम में विशेष करके आप अगर निर्माल्य का अपराध करेंगे तो बहुत बड़ा वो आपको उसका दंड मिल सकता है आगे जा करके, जैसा कि इंद्र को मिला, निर्माल्य का अपराध किया, भगवान की माला ऐरावत को पहना दी, ऐरावत ने पैरों में कुचल डाली, तो दुर्वासा ऋषि को आया क्रोध। दुर्वासा ऋषि ने बोला कि तुम इतने बड़े पदवी पर बैठ करके तुमको इतनी भी बुद्धि नहीं है कि भगवान के निर्माल्य को मैंने अभी तुमको दिया है तो उसको निकाल के तुमने अपने ऐरावत को क्यों पहनाया, जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ। श्रीहीन हो गए, सारा जो भी ऐश्वर्य था स्वर्ग का वो सारा समुद्र में चला गया, सारे ऐरावत चला गया, जो जितनी अप्सराएं थी वो सब, रत्न सुरा अमृत सब कुछ, अमृत पहले स्वर्ग में ही था, उसको निकालने के लिए अमृत मंथन का नाम उसको दिया गया, सब कुछ पहले स्वर्ग में ही था, हाँ बाद में उसको पुनः निकालने के लिए वो समुद्र मंथन की लीला की गई, बाद में देवासुर संग्राम हुआ, बहुत सारा कुछ है ना। तो इस प्रकार से जो है श्रीहीन होना मतलब उनका तेज भी चला गया था, बिल्कुल निस्तेज हो गए थे देवता और मारे मारे फिर रहे थे यहाँ वहाँ, क्योंकि श्रीहीन हो गए थे। तो राजा बलि ने मौका देखा और स्वर्ग पे आक्रमण किया और स्वर्ग का आधिपत्य प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो ठीक है, यही आज के सत्र को हम विश्राम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे।